दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए आज जिस स्टॉक की बात करेंगे हम, काफ़ी अच्छा उसका भी डिविडेंड आया है। देखिए 29 मई को ये ट्रेड कर रहा था 274 रुपये पर और ओपन हुआ था 280 पर। हाई लगाया था 280.95 का, लो इसने लगाया 273 का। मार्केट पिछले 6 महीने की बात करें तो इसने 6 महीने में आपको 6 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी 2.26% का। और अभी इसमें डिविडेंड आया हुआ है, इसलिए मैं स्टॉक लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए स्टॉक का नाम भी आपको बताऊँगा अभी और डिविडेंड भी बताऊँगा कितना दिया गया है डिविडेंड, और एक्स डेट भी बताऊंगा क्या है इसकी एक्स डेट। तो देखिए बात करेंगे इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक में अभी हाल ही में आया है डिविडेंड, 52 वीक हाई की बात करें देखिए 52 वीक हाई कितना है 335 और 52 वीक लो है 140। 1 मंथ का रिटर्न है इसका -13.13%, 1 ईयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा है 73%। 1 ईयर का रिटर्न कितना है 73%। मार्केट कैप है इसकी आपकी 34,536 करोड़, काफ़ी अच्छी मार्केट कैप है। और इंडियन बैंक ऑफर डिपॉजिट लोन एंड सर्विसेज द बैंक सेगमेंट इंक्लूड ट्रेजरी कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग, तो बैंकिंग स्टॉक है और मार्केट कैप भी अच्छी है। तो 274 के आसपास आपको अभी मिल रहा है। लेकिन न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ है इंडियन बैंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इन द वर्ल्ड विद अ मार्केट कैप ऑफ 34,529 करोड़। इट्स शेयर प्राइस 270 एज ऑन 29 मई 2023। 29 मई को इसकी शेयर प्राइस चल रही है 270। द डिविडेंड इज अ परसेंटेज ऑफ फंडिंग पेड आउट टू शेयर होल्डर, लास्ट ईयर इंडियन बैंक गेव 15 रुपये। देखिए लास्ट ईयर इसने 15 रुपये अपने डिविडेंड दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, जो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करके कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पिछले साल दिया था 15 रुपये, आपके देख लेंगे कितना देगा। की हाईलाइट देख लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक्स डू नॉट ऑलवेज पे अ डिविडेंड बट इंडियन बैंक भी है डिविडेंड टू रिवार्ड इट्स शेयर होल्डर। देखिए ज़्यादातर बैंक जो होते हैं वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते, लेकिन इंडियन बैंक ऐसा बैंक है जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है। इन द क्वार्टर एंडिंग जून 2023 इंडियन बैंक हैज़ डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 8.60 रुपये, ट्रांसलेटिंग अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.45%। तो कितना डिविडेंड दे रहा है, ये दे रहा है आपको 8.60 रुपये का, काफ़ी अच्छा ये डिविडेंड है। तो इसमें आप जो है पैसा लगाकर अपना पैसा बना सकते हैं, पैसे से पैसा कमा सकते हैं। इंडियन बैंक रिवेन्यू वर 14,415 करोड़ इन द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2023। द रिवेन्यू ग्रो बाय 24.75% ईयर ऑन ईयर बेसिस सिंस लास्ट क्वार्टर। इंडियन बैंक प्रॉफिट्स वर 1,519 करोड़ इन द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2023। द प्रॉफिट ग्रो बाय 48.36% ईयर ऑन ईयर बेसिस सिंस लास्ट क्वार्टर। देखिए इंडियन बैंक प्रॉफिट ओवर 1,519 करोड़ इन द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2023। द प्रॉफिट ग्रो अप बाय 48.36% ईयर ऑन ईयर बेसिस। इंडियन बैंक डिविडेंड वाज 8.60 रुपये इन द क्वार्टर एंडिंग जून 2023 के लिए कितना दिया है इसने 8.60 रुपये का डिविडेंड। लास्ट डिविडेंड डेट कितनी है 8/5/2023, करंट डिविडेंड यील्ड है 5.45% और एनुअल डिविडेंड पेमेंट है 15.10 रुपये। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छी खासी इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। देखिए इंडियन बैंक ने जो डिविडेंड दिया है उसका एग्जिट कितनी है जून 12 2023। तो वीडियो को पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।